धनतोली परिसर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से देसी कट्टा लेकर जा रहे एक युवक को पुलिस ने धर दबोचा है। गश्त के दौरान जांच कर तलाशी लेने पर युवक के पास से पुलिस को देसी कट्टा मिला। दरअसल नागपुर शहर में कल रात एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा पास से 6 जगहों पर चैन स्नैचिंग की घटनाएं हुई है। आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा शहर में गश्त बढ़ा दी गई है। इसी दौरान धनतोली परिसर में पंजाब नेशनल बैंक के पास सावरकर नगर गार्डन परिसर में कुछ युवक जमा होकर झगड़ा करने की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने अपना रुख घटना स्थल की ओर किया, तभी वहां झगड़े जैसी तो कोई स्थिति नहीं दिखी, लेकिन भूषण उर्फ मैडी वर्मा उम्र 30 वर्ष वहीं व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखा। जब उसे पुलिस दिखी तो वो भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से देसी कट्टा पाया गया। जानकारी है कि वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। जब उसे हिरासत में लेकर अधिक पूछताछ की गई तो जांच में सामने आया कि उस पर पहले से भी राइट 326, 324 जैसे अन्य मामले दर्ज है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। काल 29 च्या मध्यरात्री आणि रात्रीला काही तत्पूर्वी शहरामध्ये चेन स्नॅचिंगच्या घटना घडलेल्या होत्या। त्या संबंधाने नाकाबंदी आणि प्रभावी पेट्रोलिंग बाबतचे वरिष्ठांचे आदेश प्राप्त होते। त्या अनुषंगाने आमचे गुन्हे तपास पथक, बीट मार्शल्स वगैरे पेट्रोलिंग करत असतानाच्या दरम्यान सावरकर नगर एरियामध्ये पंजाब नॅशनल बँकेच्या समोर एक इसम अंदाजे वय वर्ष 30 वर्ष तो पोलिसांना पाहून संशयास्पद दिसल्याने तो संशयास्पद त्याच्या हालचाली दिसू लागल्या। पोलिसांनी त्याचा पाठलाग केला असता तो पळून जाऊ लागला, तेव्हा जे उपस्थित आमचे जे तपास पथक आणि बीट मार्शल होते त्यांनी त्याला ट्रॅप लावून पकडलं। पकडल्यानंतर त्याला विचारपूस केली, उडवाउडीची उत्तरं देत होता, त्याची अंगझडती घेतली असताना त्याच्या कमरेला एक गावठी बनावटीचा देशी कट्टा मिळून आलेला आहे आणि 2 मोबाईल मिळून आलेले आहेत। सदर इस्माला अधिक विचारपूस केली असता त्याने त्याचं जे नाव आहे ते भूषण वर्मा उर्फ मॅडी राहणार दंतेश्वरी झोपडपट्टी पोलीस स्टेशन बजाज नगर या ठिकाणचं सांगितलेलं आहे। सदर जो आरोपी इसम आहे त्याने देशी बनावटी कट्टा हा म्हणजे कुठला तरी गंभीर गुन्हा करण्याच्या हेतूने बाळगला असावा, त्यामुळे त्याच्यावरती 325 भारतीय हत्यार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, अटक केलेली आहे, पुढील तपास करत आहे। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट।